तो दोस्तों अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा फायरबोल्ट की एक और एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच आ रही है जो कि आपको सेम वैसा ही फायरबोल्ट ड्रीम वाले फीचर्स देखने को मिलेंगे इस स्मार्ट वॉच में भी, लेकिन यहाँ पर ना कुछ डिफरेंट फीचर्स भी देखने को मिलता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इस स्मार्ट वॉच का नाम है फायरबोल्ट ओरेकल। जी हाँ, यहाँ पर भी आप लोग 4G सिम सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इसी के साथ साथ एंड्रॉइड वाले सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए। इस स्मार्ट वॉच के अंदर भी आपको फायरबोल्ट ड्रीम वाले फीचर्स देखने को मिलने वाले। क्या कुछ डिफरेंट फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलता है फायरबोल्ट ड्रीम से, उनके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। फुल डिटेल में आप लोगों को देने वाले स्मार्ट वॉच के बारे में, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी, कैसा है इसका लुक एंड डिजाइन, सारी चीजों के बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, तो एंड तक आप लोग बने रहना। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अभी जो आप लोग मेरे हाथ में स्मार्ट वॉच देख रहे हो ना, ये एक एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन स्मार्ट वॉच है। और इसको हाथ में लेने का एक रीजन है यार, क्योंकि आपको ना सेम ऐसा ही लुक एंड डिजाइन देखने को मिलता है फायरबोल्ट ओरेकल के अंदर। यहाँ पर आपको वर्किंग क्राउन प्रोवाइड किया गया, नीचे शॉर्टर बटन देखने को मिल जाएगा, इसके लेफ्ट साइड में 4G सिम स्लॉट का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया, बाकी स्पीकर एंड माइक भी प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग को यूज कर सकते हो। स्ट्रैप की बात करें तो यहाँ पर आपको 44mm के स्ट्रैप देखने को मिल जाएंगे, और इसे स्मार्ट वॉच के साथ भी आपको डिफरेंट स्ट्रैप ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसे स्ट्रैप भी प्रोवाइड किए गए, मतलब डिफरेंट 10-12 तरीके के स्ट्रैप आप लोगों को मिल जाएंगे, जो भी आप लोगों की चॉइस होगी आप लोग उसको परचेस कर सकते हो। इसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.96 इंच की TFT डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, 320x386 का पिक्सल भी प्रोवाइड किया गया, 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, 60Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलने वाला है। और हाँ, यहाँ पर ना ड्रीम से ना थोड़ी छोटी डिस्प्ले आपको मिलती है, ड्रीम में आपको 2.02 इंच की डिस्प्ले देखने को मिली थी, बाकी यहाँ इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है ना मेरे हिसाब से फायरबोल्ट ड्रीम जैसे ही देखने को मिलने वाली है। इसके अदर फीचर्स की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको 4G सिम स्लॉट प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर आप लोग किसी भी कंपनी का सिम इंसर्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ 2GB रैम, 16GB स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग 1000+ एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर के थ्रू आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, चाहे वो शॉपिंग एप्लीकेशन हो, गेम्स हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, सारी चीजें यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हो, जैसा कि फायरबोल्ट ड्रीम स्मार्ट वॉच में भी प्रोवाइड किया गया था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग को वाईफाई का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया है। और हाँ, यहाँ पर ना दो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो कि फायरबोल्ट ड्रीम में देखने को नहीं मिले थे। इसी स्मार्ट वॉच में आप लोग को ब्लूटूथ ट्रांसफर का भी फीचर्स प्रोवाइड किया गया, मतलब ब्लूटूथ के थ्रू आप लोग वॉच के अंदर कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हो। साथ ही साथ इसे स्मार्ट वॉच में मोबाइल असिस्टेंट का फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। तो ये दो एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं यहाँ पे आप लोगों को, जो कि फायरबोल्ट ड्रीम में मिसिंग थे। इसी के साथ साथ TWS पेयरिंग, GPS नेविगेशन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब मैप वगैरह भी यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप लोग इस तरह के बड़े एप्लीकेशन यूज करोगे ना, तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है स्मार्ट वॉचेस की। बाकी मैं स्मार्ट वॉच को यूज करने के बाद ही आप लोगों को बता सकता हूँ कि यहाँ पे कितनी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। बट यहाँ पर ना आप लोगों को 700mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, फायरबोल्ट ड्रीम में 800mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई थी, तो यहाँ पर 100mAh कम कर दिया गया है। बाकी यार यहाँ पर आपको वही सेम फीचर्स मिलते हैं जो कि फायरबोल्ट ड्रीम स्मार्ट वॉच में देखने को मिले थे। अगर मैं बात करूँ स्मार्ट वॉच के लॉन्च डेट की और प्राइस की, तो ये वॉच आप लोगों को 10th February को देखने को मिलेगी फायरबोल्ट की वेबसाइट पे, या फिर फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी देखने को मिल सकती है। लास्ट टाइम ना फायरबोल्ट ड्रीम स्मार्ट वॉच अमेजोन पे लॉन्च नहीं किया था इन लोगों ने, फ्लिपकार्ट पे लॉन्च किया था, क्या पता ये स्मार्ट वॉच इस बार अमेजोन पे भी देखने को मिल जाए। बाकी इसके प्राइस की बात करूँ तो यार देखो, मेरे अकॉर्डिंग ये स्मार्ट वॉच भी आप लोगों को 6000 रुपीज की देखने को मिलेगी, जो इसका लॉन्च प्राइस रहने वाला है। तो यही थे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स, और इसका लुक एंड डिजाइन के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर आप लोग फायरबोल्ट ओरेकल स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो, तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑल कर लेना। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी हो, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।